A wire elongates by L mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire will be in mm. Let's see. क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक वायर जो है जिसकी लेंथ एल एम एम है, सॉरी एल एम एम नहीं है, एक्सटेंड्स बाय एल एम एम. मान लीजिए लेंथ एल है और ऑन अप्लाइंग अटैचिंग अ वेट ये वायर बढ़ के एल प्लस एल एम एम का हो जाता है, यानी कि एक्सटेंड्स बाय एल एम एम जब हम डब्ल्यू वेट लगा लेते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ वो कह रहा है इसी एल कैपिटल एल लेंथ की वायर को आप एक पुली पर लगाइए और आधा आधा रहने दीजिए और सेम वेट आप अटैच कर दीजिए, तब कितना एक्सटेंड होगा ये पूछा जा रहा है. लेट अस सी. यहाँ जो लेंथ है वो कितनी एल बाय टू है, यहाँ भी लेंथ कितनी है एल बाय टू. सो एक्सटेंशन निकाल लेते हैं. यंग मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रेच एक्स वन, मान लीजिए इस वायर की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी एल बाय टू. सो यहाँ जो फोर्स है एक्चुअली वो डब्लू का नाम ले सकते हैं हम, डब्लू अपॉन ए, ये टू एल बाय टू एक्स वन इंटू एल बाय टू ऐसे हो जाएगा. सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल्स टू डब्लू एल बाय टू ए एक्स वन. सो एक्स वन कितना हुआ डब्ल्यू एल अपॉन टू ए वाई, ये आगे हमारा एक्स वन, क्योंकि इधर भी सेम वेट है तो हम एक्स टू भी ऐसे ही लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एल अपॉन टू ए वाई. चेंजेस तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ भी वही लेंथ है यहाँ भी वही वेट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली करके. तो दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू एल अपॉन टू ए वाई इंटू टू, क्योंकि दोनों सेम है तो ट्वाइस कर दिया. क्या आंसर आया डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई, टोटल एक्सटेंशन एक्स टोटल आ गया हमारा डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई. और अगर हम इस कैप स्मॉल एल को देखें कि कितना बड़ा होगा तो कैसे लिख सकते हैं डब्ल्यू लेंथ कितनी है कैपिटल एल, सॉरी डब्ल्यू एरिया कितना है ए, कितना एक्सटेंड हुआ यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू एल बाय कैपिटल एल. सॉल्व करने पर क्या मिलेगा एल की वैल्यू डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई. सो वी सी दैट इट इज कमिंग आउट टू बी सेम, ऐसा नो दैट मीन्स द आंसर इज एल. तो दोनों तरफ आधा टांगने से और थोड़ा वेट लेने से एक्सटेंशन बढ़ नहीं जाएगा, एक्सटेंशन टोटल अभी भी एल के बराबर ही रहेगा, पहले भी इतना ही था और अभी भी उतना ही है.